आज हम लोग जो कक्षा 10वीं की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिया, पांचों को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी कक्षा 10वीं की बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम जो फर्स्ट में है वह 3 प्रॉब्लम है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन लेकिन हमें कौन सा मेथड यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सेकेंड वाला क्या है? 196 और 38, 220। और थर्ड वाला क्या है? 867 और 225। इन तीनों जो प्रॉब्लम है तीनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिदम का उपयोग करके। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम होता क्या है। सपोज करो यहां पर कोई संख्या दिया है 21 यहां पर दिया हुआ है, तुम्हें भाग करना है 6 से। तो क्या करोगे? 21 में 6 से भाग दो, कितना हुआ? 6 × 3 = 18, तो कितना हुआ? 18। और 21 में से 18 घटा दो, कितना बचा? 3। ठीक है, जो ये मिडिल वाला टर्म है 21 है, इसे बोलते हैं भाज्य। 21 को क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। यानी यहां पर 6 क्या होगा? 6 होगा भाजक। और जो इधर आता है इसको क्या बोलते हैं? जो 3 के स्थान पर आता है उसे बोलते हैं भागफल। ये थोड़ा बेसिक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसे याद कर लेना। और जो नीचे आता है वह कहलाता है शेषफल। शेषफल, ठीक है। और इन चारों के संबंध में एक फार्मूला होता है, वह कहलाता है भाज्य इक्वल टू, यहां पर जो भाज्य मिडिल वाला, इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और नीचे वाला जो हो उसे ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो क्या होगा? प्लस शेषफल। तो अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लेना क्या होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे ही मान लो कि यहां पर कोई संख्या है ए, और ए में हमें बी से भाग देना। तो मान लो कि जो ए है वो बी से क्यू बार में कट जा रहा है, और जो यहां पर जो शेषफल है वह आर आ रहा है। ठीक है, तो देखो भाज्य के स्थान पर कितना है? ए है, तो भाज्य के स्थान पर ए लिखेंगे, ए इक्वल टू भाजक। तो भाजक हमारा कितना? भाजक बी है, तो बी इंटू भागफल कितना है? भागफल यहां पर देखो क्यू है, तो क्या होगा? Q प्लस शेषफल कितना है? शेषफल है R। तो क्या यहां से क्या हुआ? A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। देखो A इक्वल टू बी क्यू प्लस R एक्चुअली में जो एल्गोरिदम थ्योरम है यूक्लिड का वह यही है। अरे उन्होंने यही बताया था A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, और R का मान हो है वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और जो यहां पर B है और बी से छोटा होगा। तो बोलो तो यूक्लिड के एल्गोरिदम थ्योरम क्या है? याद कर लेना भाई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो और बी से छोटा होगा। यानी यहां पर जो भागफल बी है, ठीक है, जो शेषफल आएगा, शेषफल का कभी भी मान भागफल से छोटा ही होता है। तो R का मान ये वाला दिमाग में चलना चाहिए आपका, और ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, A इक्वल टू क्या होगा? BQ प्लस R। तो चलिए अब प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमें सॉल्व करना है 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड का जो एल्गोरिदम थ्योरम है उसी का उपयोग करके। ठीक है, तो 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो 135 और 225 में कौन बड़ा है? 135 और 225 में कौन बड़ा है? तो बड़ा है ए, बड़ा है ए वाला 225। तो क्या करेंगे? 225 को हम ए मानेंगे, तो माना ए इक्वल टू, माना ए किसके बराबर है? 225 के। और बी किसके बराबर है? 135 के। अब देखो 225 में 135 से भाग दो, 225 में 135 से भाग दो, तो कितना होगा?
135 है कि नहीं? 135, तो यहां पर देखो 135, पांच में से पांच जीरो, हासिल लो 12 में से 9, ठीक है, एक कैंसिल आउट। तो जो मैंने अभी अभी फार्मूला बताया था क्या, जो भाज्य इक्वल टू जो बीच वाला होता है, यानी 225 इक्वल टू 135 गुणे एक लिखेंगे, क्योंकि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, तो क्या होगा 135 गुणे एक प्लस 90। देखो यहां पे जो शेषफल है वह जीरो नहीं है, ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोसेस जब तक करना है तब तक जो शेषफल है वो जीरो ना आ जाए। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब 135 में 90, 135 में अब 90 से भाग देंगे, तो 135 में 90 से भाग दो तो क्या होगा 135 भागे 90, तो देखो क्या हुआ 90 कने 90, तो 5 13 में से 9 घटा दो कितना हुआ 4। अब फिर से जो मैंने फार्मूला बताया था उसी का यूज करके आपके लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, तो 90 गुणे एक प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है 45। अब देखो यहां पर जो शेषफल है वो 45 है, जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर जो यहां पर 90 है 90 में आप 45 से भाग देंगे, तो दो यहां पे 90 में 45 से भाग दो, तो 45 दूनी 90। तो अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 90 इक्वल टू 45 गुणे दो, तो 45 गुणे दो प्लस, देखो यहां पर शेषफल क्या आया, जीरो आया, क्योंकि 90 से 90 कट गया, तो शेषफल कितना आया जीरो, तो शेषफल जीरो आ गया। तो यहां पर जो बी का मान होगा यानी जिससे मैंने भाग दिया था, ठीक है, जो भाजक होगा अंत में, भाजक कितना है यहां पे 45, तो अंत में जो भाजक होगा वही उस संख्या का यानी 135 और 225 का एचसीएफ होगा, तो यही होगा मेरा आंसर। तो 135 और 225 का आंसर कितना निकल गया 45। तो जो प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है वो थर्ड है, इसे आप लोग कर लेना। तो जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है वह यही है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आखिर विषम पूर्णांक क्या है, तो विषम का मतलब यही है जिसे दो से भाग देने पर न कटे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूं 7 क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसे दो से भाग देने पर यह पूरा पूरा नहीं कटता है। ऐसे ही 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, देखो 7 है इसे दो से भाग देने पर कटेगा नहीं ना, 11 कटेगा नहीं ना, 13 कटेगा नहीं ना, 19 कटेगा नहीं ना, तो इसलिए ये सभी का है, ऐसे ही बहुत ही बहुत सारे हैं, जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये सभी क्या है, यह है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ऐसे भी मैं बता दूं, अगर ऐसे मान लो जो दो से कट जाए, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, जो मैंने यहां पर लिखा है ये सभी दो से कट जाते हैं, इसलिए यह क्या कहलाएगा, सम पूर्णांक। जो दो से कट जाता है उसे सम बोलते हैं, और जो दो से नहीं कटे उसे विषम बोलते हैं, तो यह विषम पूर्णांक सम पूर्णांक कहलाएगा। तो देखो प्रश्न में क्या दिया है, पूछा गया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या या कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हम जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के अनुसार क्या होता है, यूक्लिड के जो विभाजन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या होता है, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है। यहां पर देखो जो नीचे वाला सिंबल है यह इक्वल टू है, ठीक है, और जो यहां पर ऐसे हैं यह कहलाता है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, r का मान 0 से बड़ा होगा, और जो दूसरा वाला सिंबल है इक्वल टू का यह बोल रहा है r का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, दोनों बात एक ही एक्सप्रेशन से बता दिया जा रहा है, ठीक है। और क्या है, जो यहां पर r का मान होगा b से छोटा होगा। यहां पर देखो क्या दिया है, 6q+1 क्या दिया,
सिक्स क्यू प्लस वन, सेकेंड वाला क्या है सिक्स क्यू प्लस थ्री, थर्ड वाला क्या है सिक्स क्यू प्लस फाइव। अरे बोला गया कि हमें इसे सिद्ध करना है, ये तीनों क्या होंगे विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर q का गुणांक क्या है सिक्स, तो इसे स्पष्ट हो गया b का मान कितना होगा, b का मान होगा सिक्स, b का मान कितना होगा सिक्स, तो r का मान कितना होगा जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा नहीं तो जीरो के बराबर होगा, और b b कितना है देखो यहां पर छे, तो छे से छोटा होगा। तो अब करेंगे क्या, देखो चरण फर्स्ट ऐसे नोट करेंगे, चरण फर्स्ट जब r का मान जीरो हो, ठीक है चरण फर्स्ट के अनुसार जब r का मान जीरो हो तो a का मान कितना होगा, a का मान यहां से देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के स्थान पर कितना रख दो जीरो, तो a का मान कितना निकला a इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अब देखो a a यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर b का मान कितना दिया था सिक्स, तो a इक्वल टू बी के स्थान पर कितना लगेंगे छ क्यू, तो यहां पर तो क्या होगा a का मान कितना निकला सिक्स क्यू, a का मान कितना निकल गया सिक्स क्यू। अरे q का मतलब क्या है, यहां पर q एक दो तीन चार रख दो, ठीक है देखो अगर q के स्थान पर एक रखेंगे तो इसका मान कितना होगा छ, ठीक है यहां पर लिख देता हूं, अगर q के स्थान पर निकले रखेंगे एक तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा सिक्स इंटू a कितना होगा छ। ऐसे मैं q के स्थान पर दो रख देता हूं तो छह दूनी बारह, इसका मतलब हमें छह का पहाड़ा लिख दो, छह का छह छह दूनी बारह छत्तीस अठारह चौबीस तीस छत्तीस ऐसे ही बयालीस था, छ बारह अठारह चौबीस तीस छत्तीस बयालीस। तो ये बताओ जो छ है दो से कटेगा कि नहीं, कटेगा ना, इसलिए समय बारह भी कट जाएगा अठारह भी कट जाएगा चौबीस भी कट जाएगा, जितनी भी संख्या मैंने यहां लिखा है वो दो से कट जाएगा। तो इसलिए इससे क्या प्रूव होता है कि जो यहां पर a इक्वल टू सिक्स क्यू, सिक्स क्यूब है वह क्या होगी सम पूर्णांक, क्या होगा सम होगा क्योंकि वह दो से कट जाएगा। अब देखो चरण सेकेंड, चरण सेकेंड, चरण सेकेंड में क्या करेंगे, यहां पर देखो मैंने r बराबर जीरो रखा था, अब r बराबर मैं क्या रखूंगा वन रखूंगा, तो a का मान कितना निकलेगा सिक्स क्यू प्लस r के स्थान पर कितना रखूंगा मैं एक, ठीक है इसका मतलब क्या है सिक्स क्यू में एक एड कर दो, उसके बाद से देखो वह सम है कि विषम है। तो देखो यहां पर सिक्स क्यू का मान कितना था छ बारह अठारह चौबीस तीस छत्तीस बयालीस, ठीक है उसमें एक एड कर दो, यानी छ में एक जोड़ो कितना हुआ सात, ऐसे ही बारह में एक जोड़ो कितना हुआ तेरह, और अठारह में एक जोड़ो कितना हुआ उन्नीस, और चौबीस में एक जोड़ो कितना हुआ पच्चीस, ठीक है। अब ये बताओ सात तेरह उन्नीस पच्चीस ये दो के पहाड़ा में आता है क्या, ये दो से कटेगा नहीं ना, इसीलिए दो से नहीं कटेगा, इसलिए सिक्स क्यू प्लस वन क्या है यहां पर, यह है विषम पूर्णांक, क्या है विषम पूर्णांक। अब देखो चरण थर्ड, ऐसे ही चरण थर्ड, चरण थर्ड जब r का मान दो रखने पर, ठीक है r का मान दो रखो तो इससे क्या होगा a इक्वल टू कितना होगा सिक्स क्यू प्लस एक स्थान पर कितना रख देंगे दो। अब देखो हमें क्या करना है सिक्स क्यू में दो जोड़ना है, देखना वह सम आ रहा है कि विषम। देखो यहां पे सिक्स क्यू का मान कितना निकल रहा था छ बारह अठारह चौबीस तीस, अब इसमें दो जोड़ दो, ठीक है ये वाला कर दो कैंसिल आउट। अब देखो छ में दो ऐड करो कितना हुआ आठ, बारह में दो जोड़ो कितना हुआ चौदह, अठारह में दो कितना हुआ बीस, ऐसे ही चौबीस में दो कितना हुआ छब्बीस। अब ये देखो ये दो से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, अठारह चौबीस बीस छब्बीस ये दो से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, इसीलिए यह क्या होगा यह होगा सम पूर्णांक। नोट करते जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब लेंगे चरण फोर्थ, यानी चौथा चरण क्या है, देखो चौथा चरण यही है r का मान यहां पर क्या रखा था दो रखा था, अब मैं r के स्थान पर कितना रखूंगा तीन रखूंगा, तो a इक्वल टू कितना होगा सिक्स क्यू प्लस r के स्थान पर कितना थ्री। अब देखो सिक्स क्यू का मान कितना निकला था छ बारह अठारह चौबीस तीस छत्तीस, अब उसमें हमें क्या करना है यहां पर देखो प्लस तीन, इसका मतलब सिक्स क्यू में हम तीन जोड़ेंगे, तो जोड़ो कितना आ रहा
छह में तीन जोड़ो कितना आ रहा है, नौ, बारह में तीन आ रहा है पंद्रह, अठारह में तीन इक्कीस, चौबीस में तीन सत्ताईस, तीस में तीन कितना हुआ तैंतीस। अब यह देखो तीन से कट रहा है कि नहीं, नौ दो से कट रहा, नौ दो से कटेगा नहीं ना, पंद्रह कटेगा दो से नहीं ना, इक्कीस कटेगा दो से नहीं ना, सत्ताईस कटेगा दो से नहीं ना, तैतीस दो से कटेगा नहीं ना, इसलिए ये सब क्या है, ये सब है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। और यहां पर मैं लिख देता हूं सिक्स क्यू प्लस थ्री से क्या साबित हुआ, यह क्या है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर दो से कटेगा तो वह सम पूर्णांक, और दो से नहीं कटेगा वह कहलाएगा विषम पूर्णांक। जैसे यहां पर मैंने नोट किया है नौ पंद्रह इक्कीस सत्ताईस तेईस, यह दो से कट रहा है नहीं ना, इसीलिए विषम पूर्णांक है। अब चरण पांचवा, ठीक है, चरण पांचवा में क्या करेंगे, यहां पर आर बराबर मैंने तीन रखा था, अब आर बराबर मैं क्या रख दूंगा चरण पांचवा में, आर का मान चार रखने पर, ठीक है, आर का मान जब मैं चार रखूंगा तो ए का मान कितना निकलेगा, ए इक्वल टू छ क्यू प्लस आर के स्थान पर कितना चार। अब देखो छ क्यू का मान कितना निकला था, कितना निकला था यहां पर देखो छ बारह अठारह चौबीस तीस छत्तीस, ठीक है। देखो अब देखो चरण सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इससे स्पष्ट है, देखो यहां पर सिक्स क्यू है, अगर एक क्या है, एक है विषम संख्या, ठीक है, अगर सिक्स क्यू में मैं एक विषम संख्या ऐड कर रहा हूं तो जो आ रहा है वो विषम पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर सिक्स क्यू में कोई सम पूर्णांक मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे कि दो यहां पर सम पूर्णांक है, तो जो आ रहा है, जो मेरा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है सम पूर्णांक। ऐसे ही सिक्स क्यू में कोई, देखो यहां पर तीन क्या है विषम पूर्णांक है, तो सिक्स क्यू में तीन विषम पूर्णांक ऐड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी विषम पूर्णांक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर, यहां पर एक क्या है, सॉरी यहां पर एक क्या है सिक्स क्यू प्लस फोर, तो यहां पर फोर क्या है सम है कि विषम है, सम है क्योंकि दो के पहाड़ा में चार आता है, इसलिए यह टोटल क्या होगा सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। ऐसे ही देखो जब चरण चरण सिक्स ले लो, जब आर का मान पांच रखोगे तो ए इक्वल टू कितना होगा सिक्स क्यू प्लस आर के स्थान पर कितना रख देंगे पांच। अब देखो छ क्यू प्लस पांच, पांच यहां पर क्या है भाई सम है कि विषम है, विषम है, डेट्स वाई ये रिजल्ट कितना होगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। आप देखो टोटल यहां पर विषम कौन कौन सा आ रहा है, यहां पर विषम पूर्णांक कौन कौन सा है सिक्स क्यू प्लस वन, अगला क्या है सिक्स क्यू प्लस थ्री, और अगला क्या है सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो यहां पर विषम पूर्णांक कौन कौन सा है अलग उसे कर दो, कितना सिक्स क्यू प्लस वन, और ये भी विषम पूर्णांक है, कितना है सिक्स क्यू प्लस तीन, और फिर से अगला भी विषम पूर्णांक है ये वाला सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है। ये तीनों क्या है विषम पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन ध्यान से एक बार और पढ़ो, हमें यही सिद्ध करने के दिया गया था, क्या सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस तीन और सिक्स क्यू प्लस पांच, सिद्ध कीजिए कि यह विषम पूर्णांक है। तो लो यहां पर सिद्ध हो गया, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः सिद्ध होता है क्या सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस तीन और सिक्स क्यू प्लस पांच क्या है विषम पूर्णांक है। जो प्रॉब्लम नंबर तीसरा है वह है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में चर्चा मार्च करना है, ठीक है, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो देखो जो प्रॉब्लम नंबर तीसरा है वो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है 616 और 32 इन दोनों को एचसीएफ ज्ञात कर देना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग करके। जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट मैंने बताया था उसी के अनुसार इसको भी सॉल्व करना है, 616 और 32 का क्या करना है केवल एचसीएफ ज्ञात करना। यह प्रॉब्लम मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही आसान है, आप उसे इसको सॉल्व कर लेना, कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर चार है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m
या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, वह होता है a=bq+r। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू शुरू में बताया था a=bq+r, और r का मान कितना होगा, r का मान होगा 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पर जो b है इससे r का मान कभी भी छोटा होता है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले दिमाग में आपका चलना चाहिए कि a=bq+r, r का मान 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या, यहाँ पर देखो जो 3 है इसको हम b ले लेंगे, ठीक है, तो b=3, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर b रखो, ठीक है, तो r का जो मान होगा 0 से बड़ा और b के स्थान पर मैंने क्या रख दिया 3, तो r का मान 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो क्या होगा, r का मान 0 भी होगा, 1, 2, और 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से r का मान कभी भी छोटा होगा। तो देखो चरण फर्स्ट में जब r का मान 0 हो, जब r का मान 0 होगा, तो जो मैंने समय इसे मान लो कि समीकरण 1 है, जब r का मान 0 होगा तो समीकरण 1 के अनुसार a = क्या होगा, bq+r के स्थान पर कितना रखेंगे 0। अब देखो क्या हुआ, a = bq+0, यानी a का मान कितना निकला, bq। लेकिन कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हमें वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का ये जो इक्वेशन दिया है a = bq, इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, a का स्क्वायर कितना हो, a² = bq² लेकिन यहां पर देखो b का वैल्यू कितना है 3, तो b के स्थान पर कितना रखेंगे 3, तो a² = b के स्थान पर कितना रखो 3q², तो a² = क्या होगा 9q², तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3q² होगा कि नहीं। अब देखो a² का मान कितना निकल गया, a² का मान निकला है 3×3q², तो a² का मान होगा 3। अब देखो जो यहां पर 3q² दिया है इसको हम मान लेंगे m, तो 3q² यहां पर लिखेंगे, जहां 3q² क्या होगा, m होगा, तो a² का मान कितना निकला 3m। तो यही दर्शाने के लिए दिया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखो यहां पर धनात्मक पूर्णांक मैंने a लिया था, इसका जब वर्ग किया यानी बोले तो स्क्वायर किया, तो 3m के रूप में आया है कि नहीं। अब एक और दर्शाना है 3m+1 के रूप में, तो इसके लिए क्या करेंगे, चरण सेकेंड, जब r का मान o1 हो, यहां पर मैंने 0 लिया था r का मान, अब r का मान मैं 1 ले लूंगा, तो जब r का मान 1 लेने पर यहां से देखो r के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 अब रखेंगे, तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा bq+, r के स्थान पर कितना लिखेंगे 1, लेकिन यहां पर देखो b का वैल्यू कितना है, b का मान यहां से देखो b = कितना है 3, तो क्या होगा a = 3q+1। लेकिन जो यहां पर धनात्मक पूर्णांक a है इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोले तो स्क्वायर, तो दोनों पक्षों को स्क्वायर कर लो, क्या होगा a² = 3q+1² तो क्या होगा a², और यहां पर देखो a+b² क्या होता है a², यानी बोले तो 3q² + 1b² यानी 1² + 2ab, तो 2 a का मान कितना दिया है 3q(b). तो अब देखो क्या होगा a², तो यहां पर लिख देता हूं a² = अब देखो 3q² करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग 9, और q का स्क्वायर मतलब q² + 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 होगा, प्लस 3×6 q। अब देखो क्या होगा यहां पर a² = यहां पर देखो 9q² है, 6q है, इसमें से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन कर लो क्या होगा, तो यहां पर जब 3 कॉमन करेंगे यानी मतलब 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 3×3 = 9 और q² = q² एज इट इज, प्लस 3×6 q, लास्ट में क्या है +1, तो +1। अब देखो a² = 3,
अब इसको हम मान लेंगे टोटल को m, तो m प्लस वन, जहां इसको मैंने क्या माना था, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू को m, जहां m बराबर, यहां पर लिख देता हूं, जहां m बराबर थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू। तो देखो यही दर्शाना था हमें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो 3m यहां पर आ गया, 3m प्लस 1 यहां पर आ गया, तो यह सिद्ध हो चुका है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें वर्ग दिया था और इसमें घन, यानी घन बोले तो किसी भी संख्या का पावर 3 जब हो, ठीक है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है वह बता दूं। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का मान होगा 0 के बराबर, नहीं तो 0 से बड़ा, और यहां पर जो b है उससे छोटा होगा, और यहां पर प्लस r होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखो यहां पर दिया है 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहां से देखो b का मान कितना निकला, b का मान निकला 9, तो r का मान कितना होगा, r 0 से बड़ा होगा, और b के स्थान पर कितना लिखेंगे 9, ठीक है। अब देखो जो मेरा स्टेप फर्स्ट है, यानी हिंदी में लिखे तो चरण जो फर्स्ट है, चरण फर्स्ट के अनुसार जब r का मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर क्या होगा भाई, यहां पे देखो यहां पर क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के स्थान पर कितना रख देंगे 0, तो क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू, लेकिन b का मान देखो यहां से कितना है, b का मान है 9, तो अब क्या होगा a इक्वल टू b के स्थान पर 9 क्यू, लेकिन यहां पर देखो घन पूछा है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी बोले तो किसी भी संख्या का पावर 3, तो पावर 3 तो दोनों पक्षों को घन कर दो, ठीक है, तो पावर 3 तो आ ही जाएगा, तो a क्यू इक्वल टू कितना होगा 9 क्यू का घन, तो ए क्यू कितना होगा, तो 9 क्यू बोलो तो 9 इंटू 9 इंटू 9 तीन बार, और क्यू का एज इट इज क्यू, तो 9, अब देखो 9 में 9 से गुणा करो कितना हुआ 81 क्यू, ए का क्यू, ठीक है, तो ए का क्यू कितना निकला यहां पे 9, लेकिन जो 81 क्यू का क्यूब है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया m, तो यहां पे 81 क्यू का क्यूब है, इसको मैंने माना m, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकता हूं m, तो देखो जो फर्स्ट दर्शाने के लिए दिया गया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में होता है, तो 9m के रूप में यहां पर आ गया, लेकिन दो और दर्शाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसके रूप में भी दर्शाना है। तो अब देखो चरण सेकंड, ठीक है, तो चरण सेकेंड, चरण जो दूसरा है उसमें देखो, चरण फर्स्ट में मैंने r बराबर 0 रखा था, लेकिन 0 के बाद से क्या आता है 1, तो r बराबर अब 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखो इस समीकरण में, ठीक है, तो a का मान कितना निकला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, लेकिन b का मान कितना है भाई 9, तो a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1, अब देखो दोनों पक्षों को घन कर दो, ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 का घन, ठीक है, तो a का क्यूब, अब हम जानते हैं, यहां पर फार्मूला लिख देता हूं, जो बेसिक फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लेना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, यह बेसिक फार्मूला है, अगर आपको नहीं याद है तो इसे जरूर याद कर लेना, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी, तो इसी का यूज करके इसको हम एक्स विस्तार करेंगे, तो देखो क्या होगा, a का क्यूब बोलो 9 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a का मान कितना है 9 क्यूब इंटू b का मान कितना है 1, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b, यानी बोले तो 9 क्यू प्लस 1, तो 9 क्यू प्लस 1, तो अब देखो क्या होगा, 9
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है। तो 9 क्यूब का क्यूब करो कितना हुआ, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस 9 का 27 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, 729 क्यूब का घन प्लस 1 प्लस, अब 27 में 9 से गुणा करो कितना हुआ, 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 दुनिया 18, 18 6 24 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब देखो यहां पर देखो, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन करो कितना हुआ, अगर 729 में हम 9 से भाग देंगे कितना आ गया, 81 क्यू का घन प्लस, अगर 343 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 27, तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस, अगर हम 27 में 9 से भाग देंगे कितना हुआ, 3 क्यू, और यहाँ पर क्या बचा था, प्लस 1, प्लस 1। तो यहाँ पर देखो 9, और इस टोटल को ब्रैकेट में इसे m मान लो प्लस 1, तो इस टोटल को मैंने क्या माना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे तो 81 क्यू का घन प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू को मैंने क्या माना, m। अब देखो 9m प्लस 1, तो एक तो आ गया 9m यहाँ पे, दूसरा क्या आ गया 9m प्लस 1 यहाँ पे 9m प्लस 1, जो थर्ड वाला है 9m प्लस 8, तो यह कैसे आएगा बता देता हूँ, यह मैं करूँगा नहीं, आप स्वयं कर लेना, जो चरण थर्ड लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे चरण थर्ड लेना और चरण तीसरा लेना, और उसमें r का मान इसमें 1 रखे थे उसमें 2 रख देना, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं।